आंगनवाड़ी पिछले 97 दिनों से अपनी मांगों को लेकर सिरसा के लघु सचिवालय में धरने पर बैठी है। वहीं उन्होंने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है और आज से आंगनवाड़ी वर्कर्स क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गई, जिनकी संख्या 8 बताई जा रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया से बातचीत में जिला सचिव प्रेमिला ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वो पिछले 97 दिनों से धरने पर बैठी है। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। आज हमें 97 दिन हो गए हैं। 8 दिसंबर से हमारी जो 2018 की जो पुरानी मांगे थी उन्हीं को लेकर हम हड़ताल पे बैठे थे, तो आज हमें 97 दिन है और आज हम 8 बहनें भूख हड़ताल पे बैठी हैं। कर्मी कंसन 24 घंटे के लिए और आगे भी बढ़ाया जा सकता है इसको। करनाल से तो हमारी बहनें 9-10 दिनों से बैठी हैं भूख हड़ताल पे। आरा को बातचीत के लिए बुलाया था तो उन्होंने बात तो हमारी मांगे तो मान ली है, लेकिन जो हमारी बहनें टर्मिनेट हुई है पूरी 564 के लगभग, उनको बहाल करने का उन्होंने टाइम लिया है कि केस टू केस उसको चेक करके बहाल करेंगे, तो इसलिए हमारी जो डेलीगेट गया हुआ था उन्होंने बातचीत तोड़ दी भी, पहले बहाल करो फिर आगे का बातचीत करेंगे। आगे क्या रहेगा? आगे जी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, रिटर्न में नहीं दिया जाएगा और जो हमारी बहनों पे मुकदमे दर्ज हुए और जो टर्मिनेट हुई है उनको बहाल नहीं करेगा, हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। 15 तारीख को हमारा जंतर मंत्र पे विधानसभा का कूच है, वहाँ पास के जिले की वर्कर्स हेल्पर सारी जाएंगी और हमें यहीं बैठना है जो दूर की है, और 19 तारीख को महापंचायत है कलायत में, वहाँ हम सभी कूच करेंगे।